हर वो चीज जो भारतीय है या इस हिंदुस्तान की है, उसे चुरा कर सारी दुनिया में उपयोग किया गया है। ये वो संस्कृति है जिसने 6 से 7 हजार साल पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। हिंदू की पहचान भूमि से है। अनेक प्रकार की चीजें इस भूमि के हर छोर पर हुई हैं, इतने प्रकार की कि ये ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे हैं। हिंदू कोई वाद नहीं है, हिंदू एक भूमि है और धीरे धीरे समय के साथ हिंदू एक संस्कृति बन गई। हिंदू न कभी वाद था, न ही आज ये कोई वाद है। खैर, ये बात और है कि राजनीतिक परिस्थितियों और लोगों के बीच सत्ता की खींचातानी से लोग इसे अपने हिसाब से जैसे मर्जी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, लेकिन हिंदू की पहचान भूमि से है। वो भूमि जो हिमालय और इंदु सागर के बीच है, यानी कि हिंद महासागर के, इस पर्वत श्रृंखला और महासागर के बीच की ये भूमि हिंदू है। तो वो लोग जो यहां रहते थे वो अपने आप से हिंदू हो गए और इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुओं की भूमि, भूमि हिंदू थी तो लोग हिंदू हो गए, क्योंकि लोग हिंदू हो गए इसलिए द नेशन और ऑल द नेशंस व्हिच वर देयर एट दैट टाइम इन दिस रीजन बिकेम कलेक्टिवली हिंदुस्तान। राष्ट्र, वो सभी राष्ट्र जो उस समय इस क्षेत्र में थे, सामूहिक रूप से हिंदुस्तान बन गए। इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के राज्य और साम्राज्य, सारे के सारे सभी हिंदुस्तान कहलाए जाने लगे। कोई संस्कृति किसी एक मान्यता या किसी एक शिक्षा का परिणाम नहीं होती, नहीं ये किसी एक किताब से निकल कर आती है। अनेक प्रकार की चीजें इस भूमि के हर छोर पर हुई हैं, इतने प्रकार की कि ये ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे हैं। 19,000 से ज्यादा भाषाएं विकसित हुई, 19,000 भाषाएं अकेले हिंदुस्तान में। इसका मतलब है कि इतनी ही तरह की संस्कृतियां थीं, इतनी ही तरह के लोग थे, इतनी ही तरह का खाना पकता था। हाँ, विभिन्न चीजें थीं। अगर इंसान की बुद्धि को इनसे, यानी डर से, अपराध बोध से और कहीं और मिलने वाले किसी फालतू इनाम से मुक्त कर दिया जाए, चाहे आप इसे हेवन कहें, पैराडाइज कहें, स्वर्ग कहें, या आप इसे कुछ भी कहें, अगर आप इन तीन चीजों को इंसान के मन से निकाल दें तो स्वाभाविक है इंसान की बुद्धि खोजना चाहेगी। ये जो हेवन की धारणा है या पैराडाइज की धारणा है या स्वर्ग की धारणा है, ये इसलिए लुभावनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लालच से भरी पड़ी है। यहां जो मौजूद है वो काफी नहीं है, वहां कुछ और है जो ज्यादा है। उन्हीं चीजों का बढ़ा चढ़ा बेवकूफाना रूप है जो आपको पता है कि यहां है। अगर इन तीन चीजों को इंसान की बुद्धि से निकाल दिया जाए तो इंसानी बुद्धि स्वाभाविक रूप से परम प्रकृति की खोज करेगी कि हम कौन हैं। तो इस खोज में इस संस्कृति को मिला है खगोल शास्त्र। हर वो चीज जो भारतीय है या इस हिंदुस्तान की है, उसे चुरा कर सारी दुनिया में उपयोग किया गया है और हर कोई उसे अपना बता रहा है। Well, क्योंकि उनके पास बारूद था, जो कि बहुत सारी ताकत होती है ना, तो we encountered astronomy, we encountered mathematics. इस खोज में हमें खगोल शास्त्र मिला, हमें गणित मिली। इस भूमि और इस संस्कृति के बिना इस दुनिया में गणित का अस्तित्व ना होता। अगर गणित ना होती तो विज्ञान ना होता।
आज इतने सारे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं, तकनीक के संदर्भ में इतनी सारी चीज़ों का जो हम दुनिया में आनंद ले रहे हैं, वो सब न होता अगर एक विकसित गणित न होती जो कि हमें हमारे प्रयास और खोज के रास्ते में मिली। क्योंकि हमारे मन में कोई निष्कर्ष नहीं थे, हमें कोई डर नहीं था, नहीं हमें कोई लालच या अपराध बोध भरा हुआ था। हमने जीवन को पूर्णता में जिया, लेकिन भगवान का कोई डर नहीं था, नरक का कोई डर नहीं था, ना ही किसी और चीज का डर था, क्योंकि हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है खोजना, जानना। तो खगोल विज्ञान, गणित, संगीत, वैसे तो कई तरह के संगीत हैं, पर अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो शास्त्रीय संगीत इस धरती से उभर कर आया है, उसके आधार की जटिलता की तुलना में उसके जैसा दूसरा और कुछ नहीं है। ये मेरी राय नहीं है, दुनिया के महानतम म्यूजिशियंस ऐसा कहेंगे। सो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की एक बहुत ही उन्नत समझ है, उसके कई पहलुओं की समझ है, खास तौर से ज्योमेट्री की और खगोल विज्ञान की। ये वो संस्कृति है जिसने 6 से 7 हजार साल पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। हमने माना नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ये समझ हम में इसलिए नहीं आई कि ये देश वैज्ञानिकों से भरा हुआ था, ये समझ हम में इसलिए आई क्योंकि हम खोजी थे। अगर आप वाकई सच में विज्ञान में रुचि लेते हैं तो आप जरूर एक खोजी होंगे। आप किसी चीज को मानने वाले बनकर वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मानना मतलब आपने उन चीजों के बारे में निष्कर्ष बना रखे हैं जिनका आपको कोई अंदाजा नहीं है। हमें मैथमेटिक्स मिला, संगीत मिला, खगोल विज्ञान मिला, रहस्यवाद मिला, कई जादुई और रहस्यमयी चीजें मिली, पर हम फिर भी खोजते रहे क्योंकि हमारा खोजना इसके या उसके बारे में नहीं था जो हम समझते थे कि हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि हम उस सत्य को खोजना चाहते थे जो हमारे अस्तित्व का आधार है, इसकी प्रकृति को कि ये क्या है। इस खोज में हम खोजते ही खोजते चले गए। जैसे जैसे हमारा प्रयास और खोज और ये बोध गहरा हुआ, और जैसे ही ये बहुत गहन हुआ, तो हमें मिली शून्यता। जब हमें शून्यता मिली तो हमने कहा शिव, तब हमने पाया कि हर चीज का आधार यही शून्यता है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हर चीज शून्यता से आती है और वापस शून्यता में चली जाती है। बाकी सब कुछ जिसे आप मैं आप कहते हैं, जिसे आप ये पृथ्वी कहते हैं, जिसे आप ये सौर मंडल कहते हैं, जिसे आप ये ब्रह्मांड या ये जगत या ये तारामंडल कहते हैं, ये सब बस अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन हमें इन अभिव्यक्तियों में दिलचस्पी नहीं थी। हम इन रूपों का आनंद लेते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पर हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि इन सब के स्रोत की प्रकृति क्या है। और हमने ये जाना कि स्रोत कोई चीज नहीं है, बल्कि ये शून्यता है, और ये किसी एक जगह पर नहीं है बल्कि हर जगह है।